हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलने वाली है आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, दिवाली ऑफर्स की घोषणा हो चुकी है, तो आप लोग जाइए एमजेटी ऐप पर चेक कीजिए कि कहाँ पर ई बुक में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, किस कोर्स में कितना डिस्काउंट मिल रहा है और किस मॉक टेस्ट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। डिटेल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। लास्ट डे की क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो सीबीएसई के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों मनोज आहूजा। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये इंडिया में होगा, 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा, क्लियर। और अभी वाला कहाँ पर हुआ 2021 का? ये हुआ इटली के रोम में, क्लियर है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका अभी 5वां संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों, गंगा उत्सव 2021। गंगा उत्सव दोस्तों, गंगा नदी जो है, जो राष्ट्रीय नदी है भारत की, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ इसके शुद्धिकरण को लेकर के या फिर इसकी साफ सफाई को लेकर के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के, उनको और उनमें तेजी लाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ गंगा को पूजा भी जाता है, गंगा आरती वगैरह भी होती है। तो 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है 2021 में। इस बार का ये 5वां संस्करण होने वाला है गंगा उत्सव का। ये गंगा नदी की ना सिर्फ महिमा का जश्न मनाएगा बल्कि देश की सभी नदियों के लिए एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों गंगा नदी को सन 2008 में 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था, तो इसी वजह से 4 नवंबर को ही चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। तो इस बार 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में गंगा उत्सव आयोजित हो रहा है, इसका ये 5वां संस्करण है। 4 नवंबर को इस बार दीपावली है, क्लियर। तो इसका उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिएगा ध्यान से, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर इस बार के लिए चुना है वैक्स को। वैक्स जो नाम का ये वर्ड है, ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो दोस्तों ये एक बताया जा रहा है कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वैक्सा, वैक्सा, ठीक है, वैक्सा से लिया गया है। और ये इसका मतलब होता है गाय, गाय आप जानते हो ना, काऊ, COW, तो इसका मतलब है। दूसरा, लेकिन यहाँ पर ये चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि वैक्स का यूज बहुत ज़्यादा किया है इस बार, किसके लिए? वैक्सीन के लिए किया गया है। तो वैक्सीन के लिए शॉर्ट फॉर्म में वैक्स का यूज किया गया, इस वजह से ये है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। जब दोस्तों कोई नया वर्ड आता है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, पूरे वर्ष भर उसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ रहता है, तो उससे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है या फिर कॉलिंस डिक्शनरी है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के बारे में बात करें तो टीकों के लिए एक संक्षिप्त के रूप में वैक्स का उपयोग करने के लिए इसे शामिल किया आपने वर्ड ऑफ द ईयर की लिस्ट में। पिछले भी आप रिवीजन करते रहिए, हो सकता है 2020 का पूछ लिया जाए। तो ऑक्सफोर्ड ने दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसने 2020 में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 में इंग्लिश के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसी को नहीं चुना था। हाँ, हिंदी के लिए इसने चुना था। हिंदी के लिए इसका कौन सा था? हिंदी के लिए इसका था आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हिंदी के लिए, ऑक्सफोर्ड का हिंदी भी जारी करता है। 2019 के लिए अगर पूछा जाए तो 2019 के लिए इसका इंग्लिश भी था और हिंदी भी आया था। 2019 के लिए इसका था क्लाइमेट इमरजेंसी। क्या था? क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद 2019 में हिंदी के लिए अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे संविधान। संविधान जो शब्द था ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का था 2019 के लिए। 2020 में देखिए इंग्लिश के लिए इसने कोई नहीं जारी किया था। तो अभी फिलहाल वैक्स को इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा या कहीं ओवरऑल वर्ड ऑफ द ईयर इसने चुना है अपना ऑक्सफोर्ड ने। हिंदी के लिए अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जब होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा?
तो भारत ने दोस्तों 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत ने टारगेट ये डिसाइड किया है कि 2070 तक आते आते भारत बिल्कुल जीरो प्रकार से कार्बन का एमिशन करेगा, यानी कार्बन का एमिशन ना के बराबर होगा। ना के बराबर क्या, बिल्कुल ना होगा, शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो है, बिल्कुल 0% होगा, यानी 0 समथिंग के आसपास भी नहीं होगा। 2070 तक का लक्ष्य रखा है इंडिया ने। अभी COP26 सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, उसमें गए थे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने, तो उसमें ही इन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। तो उसी में इन्होंने बताया है कि भारत ने अपना लक्ष्य डिसाइड किया है कि ये 2030 तक तो ये 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा को, इसके उत्पादन को बढ़ा देगा, लेकिन 2070 आते आते भारत जो है ये नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी इन्फॉर्म किया था, 1 से 10 नवंबर के बीच में ये आयोजित होगा। ओके, अच्छा, अभी मैंने कल वीडियो दी हुई है आपको मंथली करंट अफेयर की, मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है अक्टूबर मंथ की फाइनल वाली। इसके अलावा मंथली दोनों ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश की, और इसके अलावा जो जनवरी से लेकर के अक्टूबर की जो ब्रह्मास्त्र ई बुक थी, ये भी दोनों लैंग्वेज में आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश में। यानी सारी की सारी ई बुक वगैरह लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे दीपावली ऑफर्स जब आए तो आप लोग ऑफर्स में उसका फायदा उठा सके। दिन रात मेहनत करके 3 से 4 दिनों में हम सब लोग मिल करके, अपनी टीम के साथ मिल करके सारी ई बुक लॉन्च कर दिए हैं, जिससे इसके बाद क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं, 3 से 4 दिन की छुट्टी लगातार होगी, तो ऐसे में आप लोग की पढ़ाई ना रुके। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने भाषा संगम पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में भाषा संगम पहल की शुरुआत की है दोस्तों हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भाषा संगम नाम की एक पहल शुरू किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ये भाषा संगम पहल जो है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत होगा, ये आयोजित किया जाएगा, पूरे देश भर में ये पहल चलाई जाएगी। तो 1 नवंबर 2021 को इन्होंने शुरू किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इन्होंने एक भाषा संगम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम की एक प्रश्नोत्तरी भी, यानी कि कहें क्विज भी इन्होंने शुरू कराया हुआ है। क्लियर, इस पहल का पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि जो भारत भर में जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में, आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उन सभी 22 भारतीय भाषाओं को रोजमर्रा के उपयोग के लिए कुछ जो जनरल सेंटेंस होते हैं ना, कुछ जो सामान्य वाक्य होते हैं, उनसे लोगों को, सभी जो बच्चे हैं उनको रूबरू कराना, ठीक है, एटलीस्ट जनरल लैंग्वेज उनको पता हो। अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रसिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ और भी देशों में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3 देशों के भारत के नए राजदूत के बारे में बताने वाला हूं, पूरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। रसिया में यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो रसिया में भारत के नए राजदूत बने हैं पवन कपूर, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं पवन कपूर, इनको रसिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, अभी तक UAE में थे, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में ये भारत के राजदूत थे, लेकिन अब वहां से रसिया चले गए हैं, तो अब UAE में हो गई सीट खाली। UAE में किसे नियुक्त किया गया? तो UAE में अब नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों संजय सुधीर को, ये नाम आपको याद रखना है, UAE में भारत के राजदूत बने हैं। इनके अलावा दिनेश कुमार पटनायक जी को दोस्तों स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये 3 देशों के आपको याद रखना है, UAE, रसिया और स्पेन, ठीक है, तो इन 3 देशों के नए राजदूत बने हैं। राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में मैंने आपको बताया था, उच्चायुक्त वहां पर नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया था, जिन देशों पर, या फिर कहें जो देश कॉमनवेल्थ की कंट्रीज के सदस्य हैं, तो वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अभी मैंने उच्चायुक्त से रिलेटेड आपको एक बताया था, आलोक अमिताभ डिमरी जी का नाम लिया था, उनको ब्रुनेई का बनाया गया था, ब्रुनेई का उच्चायुक्त बनाया गया था, ठीक है, वो आलोक अमिताभ डिमरी थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है पी इन्यान ने। पी इन्यान ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, और इनको, इन्होंने अभी हाल ही में रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता हुआ है, ये 5वां संस्करण था इस बार का, इमेज देख लीजिए, ये है पी इन्यान। ओके, तो ये सर्बिया में आयोजित किया गया था
पांचवां संस्करण। दूसरे स्थान पर रशियन खिलाड़ी मकरिन रूडिक रहे। अभी कुछ दिन पहले ही याद हो आपको तो पी इनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था इन्होंने ला नूसिया ओपन सदरन टूर्नामेंट जीता था। कौन सा? ला नूसिया शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीता हुआ था 2021 का। इसके अलावा एक और पी प्रज्ञानंद थे, पी प्रज्ञानंद ने जूलियस बेयर चैलेंज शतरंज टूर्नामेंट जीता था। कौन सा? जूलियस बेयर शतरंज टूर्नामेंट जीता था। और अभी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, कौन बनी थी 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर? दिव्या देशमुख ये 21वीं महिला थी। और टोटल ओवरऑल में बात किया जाए तो ये 71वीं ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, 71वीं ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो भारत में 71 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, ये सभी शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 71वें हैं, इनसे पहले पहले कौन हुए थे? तो इनसे पहले 70वें नंबर पर थे R. Raja Ritwik। कौन? R. Raja Ritwik। उनसे पहले अगर बात किया जाए तो 69वें नंबर के हर्षित राजा बने थे, ठीक है। 68वें नंबर के बने थे अर्जुन कल्याण। इससे पीछे आप मत जाइएगा, इससे पीछे नहीं पूछा जाएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे डी गुकेश। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा। क्लियर है? तो ये सभी ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, समय समय पर रिविजन करते रहना है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2021 को देश भर में टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो अभी हाल ही में हर घर दस्तक नाम का एक कैंपेन चलाया गया है, एक अभियान चलाया गया है जो कि एक देशव्यापी अभियान है। देशव्यापी अभियान का क्या मतलब होता है कि पूरे देश भर में ये चलाया जा रहा है, भारत के सभी राज्यों में ये टीकाकरण के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए ये चलाया जा रहा है। तो जो भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे दोस्तों, हर राज्यों में वो घर घर जा करके अगर कोई बच्चा हुआ है फर्स्ट डोज के लिए तो उसको फर्स्ट डोज के लिए प्रोत्साहित करेंगे या वहीं पर टीका लगाएंगे। अगर किसी की सेकेंड डोज बाकी है तो उसको सेकेंड डोज वहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि हर घर जा करके घर घर दस्तक लिया जाएगा, दिया जाएगा और फिर जा करके वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्लियर? तो COVID-19 के वैक्सीनेशन के लिए ये कैंपेन है, देशव्यापी है। करंट स्टेटस की बात करें तो भारत में अभी तक 106 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और डेली करोड़ों व्यक्तियों को लगाई जा रही है। और ये दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर, इकलौता ऐसा देश है जहां पर इतने ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो अब दिवाली ऑफर्स की घोषणा हो चुकी है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब सारी ई बुक लॉन्च कर दी गई है टाइम से पहले, तो आप लोग को कोई ये शिकायत नहीं रहेगी कि ऑफर्स खत्म होने के बाद ई बुक आई है या ऐसा कुछ, ठीक है, ई बुक आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कोर्सेज आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, दीपावली के बाद से उसमें तेजी से वीडियो जाने लगेंगे। दीपावली की 2 से 3 दिनों की छुट्टियां रहेगी, मैं उसमें डेली करंट अफेयर ही कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो डेली करंट अफेयर अब वो भी लाइव नहीं आ पाएगी, कारण ये है कि अब घर जाना है हमको भी, तो लाइव क्लास वहाँ से हो नहीं पाएगी, तो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहले की तरह आएंगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपकी क्लासेस चालू रहेंगे, डेली करंट अफेयर चालू रहेगा, क्विज वगैरह सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जैसे ही सभी लोग वहाँ से वापस आते हैं दीपावली से, वैसे ही तेजी से आप लोग को ये बैच कंटिन्यू कराया जाएगा और फिर आपका बहुत ही जल्द कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई से कभी भी मजाक नहीं करना है। डेली आप लोग कम से कम 2 घंटे भी इस टाइम पर भी पढ़ेंगे। दीपावली की छुट्टियों में अगर कुछ लोग जा रहे हैं घर जिनके एग्जाम नहीं है, तो वही वो 2 घंटे तक पढ़ेंगे, और जिनके एग्जाम है मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि कोशिश करिएगा घर ना जाना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप जहाँ हैं वहाँ पर भी दीपावली मना सकते हैं, घर जाने से कम 5 दिन आपका लॉस होगा, ठीक है। 5 दिन का लॉस होने वाला है आपका, 2 दिन जाने में, 2 दिन उससे पहले 1 दिन और इससे पहले 1-2 दिन, ठीक है। तो 5 दिन का लॉस मत करिएगा, आप लोग जहाँ हैं वहीं पर दीपावली मनाइए, पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाती है। आप लोग का एग्जाम लगा है अगर तो एग्जाम पर फोकस कर लीजिए, ठीक है, अभी दीपावली आप अगले साल मना लेंगे घर जा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाणन मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाणन मिला है, यानी IMS सर्टिफिकेशन मिला है। IMS क्या होता है? IMS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, तो इसके द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो मैसूर चेन्नई मैसूर एक्सप्रेस जो है इसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली शताब्दी एक्सप्रेस है, ध्यान रखिएगा पहली शताब्दी एक्सप्रेस है, ये दूसरी भारत की एक्सप्रेस है, ठीक है, मेल एक्सप्रेस में अगर बात करें तो दूसरी ये भारत की मेल एक्सप्रेस है, ठीक है, मेल एक्सप्रेस है। इसके अलावा दक्षिण भारत की ये पहली है, दक्षिण भारत की पहली
पहली ये मेल एक्सप्रेस है, ठीक है, कौन सी, मैसूर चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अब आप सोचेंगे जब ये दूसरी भारतीय मेल एक्सप्रेस है तो पहली कौन थी, तो ध्यान रखिएगा पहली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन बनी थी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस का नाम याद रखना आपको, हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये IMS सर्टिफाइड होने वाली पहली भारतीय ट्रेन बनी थी, दूसरी ये बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की, तो इन्होंने अभी हाल ही में एम्स में एक जंग लड़ते हुए नाम की एक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को भेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो ये जब COVID-19 से बीमार थे, पीड़ित थे, तो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, उसी टाइम पर इन्होंने ये किताब लिखी एम्स में एक जंग लड़ते हुए, तो उसी पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है और इसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने भेंट भी किया है। इस पुस्तक को पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कल जो मंथली करंट अफेयर वीडियो आई हुई है आप लोग के लिए, उसमें सारा रिवीजन कराया गया है कि कितने कितने पुस्तकें और लेखक आए हैं पिछले दिनों में, तो आप लोग रिवीजन जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में TVS मोटर्स को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, TVS मोटर्स। तो TVS मोटर्स जो है दोस्तों, इसको इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को प्रदान किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इस अवार्ड को उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता यानी आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर्स से सम्मानित किया गया है। TVS मोटर्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष है वेणु श्रीनिवासन। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। UPSI का मॉक टेस्ट आया हुआ है, इस पर भी ऑफर है, आप इसको भी ले सकते हैं, जाकर के पता कीजिए कितने का ऑफर, क्या क्या चल रहा है। MZT ऐप पर ही जाकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको WhatsApp का नंबर भी दिया जा रहा है, तो आप लोग WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप WhatsApp कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए, ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भेजिए, और आप ईबुक हो या कोर्स हो या ईबुक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मॉक टेस्ट वगैरह हो, सब कुछ आप अनलॉक करा सकते हैं। जाते जाते इन चार क्वेश्चन का आप आंसर करते जाइए। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, संयुक्त सचिव के बारे में आपको बताना है, अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए थे। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता, और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो एक बार हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को दोस्तों एडवांस में हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।